ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमएलए हो तो ऐसा में गन्नौर के सुपर 12 में से बचे 6 उम्मीदवारों का भी स्कोर कार्ड देख लेते हैं कि इनमें से किसे कितने नंबर मिल पाए हैं। तो अगले उम्मीदवार हैं जोगिंदर सिंह, जो पहुंचे हैं टॉप 12 तक गन्नौर हलके से। कुल 16 लोगों के आवेदन आए थे हमारे पास, जिनमें से हमने पहली स्क्रीनिंग में चुने हैं टॉप 12। तो जिनमें से एक हैं जोगिंदर सिंह, कुल 52 अंक लेते हैं जोगिंदर सिंह। यहाँ तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग मापदंडों में इन्होंने कितने अंक हासिल किए हैं। अगर 10 मापदंडों की बात करें तो उनके अंक मिलाकर इन्होंने कुल 52 अंक हासिल किए हैं और टॉप 12 में जगह बनाई। कृष्ण गोपाल त्यागी जी एक और उम्मीदवार पहुंचे हैं टॉप 12 तक, जिनका स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त। विनय, काफी पारदर्शी सिस्टम है ये, जो पहली स्क्रीनिंग के आधार पर 10 मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। सभी उम्मीदवार अपने घर पर भी अंक जोड़कर देख सकते हैं और जो 11वां पैमाना है वो इनके हलके से लिया गया फीडबैक होता है, जो इनके हलके की जनता इन्हें अंक देती है। तो कृष्ण गोपाल त्यागी लेते हैं 60 अंक। मनिंदर सिंह सन्नी एक और उम्मीदवार टॉप 12 में जगह बनाने वाले। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन लाइसेंस, आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, पूर्व चुनाव, वार्षिक आय कितनी है, राजनीतिक पद पर किसी पे आसीन है, इस तरह से 10 मापदंडों की बात करें उनके अंक मिलाकर कुल 53 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। 11वें मापदंड पर हम अभी अंक नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि वही दूसरी स्क्रीनिंग है और उसके आधार पर ही तय किया जाएगा कि आखिरकार कौन टॉप 6 में जाता है। जी, और ये है नरेंद्र पहलवान एक और उम्मीदवार यहां तक पहुंचने वाले। इनका स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। गन्नौर हल्के के टॉप 12 उम्मीदवार 58 अंक लेते हैं नरेंद्र पहलवान यहां तक पहुंचने के लिए। नरेंद्र पहलवान टॉप 12 तक पहुंचने वाले उम्मीदवार गन्नौर हल्के से। और यह है रणधीर मलिक एक और उम्मीदवार। आप देख सकते हैं अलग अलग 10 मापदंडों के आधार पर इन्होंने जो अंक हासिल किए हैं उनके आधार पर इन्होंने जगह बनाई है। 63 अंक इन्होंने लिए और ये 63 अंक इनको पहुंचाते हैं टॉप 12 में। तो रणधीर मलिक एक और उम्मीदवार हैं जो कि टॉप 12 में पहुंच चुके हैं। सूची आपको दिखाई जा रही है टॉप 12 उम्मीदवारों की। 16 लोगों ने अपने नामांकन दाखिल किए थे, जिनमें से रणधीर मलिक भी एक हैं। और ये है ऋषि राज कौशिक। लिंग, आयु, शिक्षा, हल्के में निवास, वाहन लाइसेंस, पूर्व चुनाव, आपराधिक रिकॉर्ड, वार्षिक आय और राजनीतिक पद जैसे 10 पैमानों में ये कुल मिलाकर हासिल करते हैं 58 अंक, जिन्होंने इन्हें पहुंचाया है टॉप 12 तक। कुल 16 लोगों के आवेदन आए थे, जिनमें से हमने चुने हैं टॉप 12 उम्मीदवार, जिनकी सूची आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब हम रुख करेंगे 11वें पैमाने का, यानी छवि और साख से जुड़े पहलू को परखने का, जो आधारित है इन उम्मीदवारों के हलके गन्नौर से आए फीडबैक पर, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी कि 20 नंबर तय किए गए हैं। अनिल जी, क्योंकि इस फीडबैक को लेकर हम बार बार बात करते हैं और इसकी अहमियत भी बार बार बताई जाती है इस शो के जरिए, तो एक बार फिर से हम चाहेंगे कि इस फीडबैक के बारे में आप जरूर बताएं। मुमताज, ये 11वां पैमाना है ही इस लायक इसको बार बार बताया जाए, इसकी अहमियत को बार बार बताया जाए जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग नेता बनना चाहते हैं, जो इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपना क्षेत्र की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, वो इस जो हमारा पैमाना है 11वां छवि और साख, इस पर विशेष ध्यान दें। बिल्कुल, अगर इस पर ध्यान देंगे तो ये उनके सिर्फ नेता बनने की राह ही नहीं, उनके जीवन की राह भी आसान करेगा। आप जिंदगी में कभी कुछ भी बनना चाहते हैं लेकिन आपकी छवि अच्छी नहीं है, आपकी साख अच्छी नहीं है, लोग आपके बारे में राय अच्छी नहीं रखते, अगर घर के लोग भी किसी व्यक्ति परिवार के व्यक्ति के बारे में अच्छी राय नहीं रखते तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं जी। ये तो जनता की नुमाइंदगी करने की बात है। बिल्कुल, हम अगर कोई नौकरी पे किसी को रखते हैं, अगर चपरासी को भी रखते हैं तो उसका भी करेक्टर सर्टिफिकेट तक देखते हैं, उसके सारा बायोडाटा देखते हैं। और नेतागिरी ऐसी चीज़ हो गई है जहाँ कुछ नहीं देखा जाता। पहली बार ऐसा हो रहा है कि टीवी के इतिहास में एक ऐसा शो लाया गया खबर अभी तक के द्वारा कि जहाँ हम प्रतिभागी को जो एमएलए बनना चाहते हैं उनको 11 कसौटियों पर कस रहे हैं, उसके बाद कहीं वो आगे जाता है टॉप 6 पे पहुंचता है और फिर विजेता बनने के लिए फिर वो कसा जाता है तीन बार, तीन चीजों पर, संबोधन के लिए भी, सवाल जवाब के लिए भी और एक और परीक्षा व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता के लिए। और वहां तक तभी पहुंचोगे जब आप 11वां राउंड क्लियर करोगे। ये 11वां राउंड कि जनता आपके बारे में क्या राय रखती है,
आपकी साख क्या है, और ये तब बनेगी जब आप लोगों के बीच में आपका अच्छा व्यवहार होगा, आपका लेन देन अच्छा होगा, आपका चाल चलन अच्छा होगा, आप लोगों से जो बात करते हैं, जो कहते हैं वो वजनदार बात करते हैं, सतही बात नहीं करते, आप जो कहते हैं, जो वायदे करते हैं वो सच बोलते हैं, झूठ नहीं करते, लोगों को गुमराह नहीं करते, बरगलाते नहीं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तभी आपकी छवि अच्छी होगी और साख अच्छी होगी। इस फीडबैक को लेने के लिए मार्केट, जब सर्वे टीम हमारी जाती है जनता के बीच, उनसे 50 लोगों से एक प्रतिभागी के बारे में बात करती है, उससे पूछती है कि अमुक प्रत्याशी, अमुक प्रतिभागी के बारे में आपकी राय क्या है। बहुत अच्छी राय है, अच्छी राय है, सामान्य है, सामान्य से कम है, कि आप नहीं जानते हो, ये सारी बातें उससे पूछी जाती हैं। और एक के लिए निर्धारित अंक दिए गए हैं, उन अंकों को जोड़कर तब कहीं उनका औसत निकाल के तब हम 11वां पैमाना तय करते हैं कि अमुक प्रतिभागी ने, इस व्यक्ति ने इतने अंक लिए हैं। 50 में से टॉप 20 का औसत निकालते हैं तब उसके खाते में वो जोड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि किस उम्मीदवार को कितने अंक मिले हैं छवि और साख के इस मापदंड के आधार पर जो हमारे पास इन सीलबंद लिफाफों में यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अनिल जी, इस फीडबैक के बारे में बड़ी जिज्ञासा होती है हमारे दर्शकों को, और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये पूरी प्रक्रिया कैसे अमल में लाई जाती है, तो आप एक बार वो भी जरा बता दें। मुमताज, जैसा मैंने बताया था कि हमारी सर्वे टीम उस क्षेत्र में जाती है जहाँ का एक कार्यक्रम होता है, शो होता है। जैसे आज गन्नौर का है, गन्नौर में हमारी टीम गई, सर्वे टीम गई, एक बॉक्स उनको हम देते हैं जो लॉक्ड होता है, उस बॉक्स में लोगों से, मतदाताओं से बात करके जो एक सर्वे सीट है उसके ऊपर लिखा जाता है कि 5 कॉलम है, बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य, सामान्य से कम, और नहीं जानते, उन पर वो मार्क करके देते हैं, वो डब्बे में डाला जाता है सर्वे बॉक्स में, और वो सर्वे बॉक्स यहाँ हमारे चैनल के पास आता है। एक चैनल में एक गोपनीय टीम हमने बना रखी है, वो गोपनीय टीम उस डब्बों को खोलती है। दर्शक स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो डब्बा खोला जाता है, उसमें से वो फॉर्म निकालकर उनकी जो मार्किंग है, जो अंक निर्धारित अंक है, उन अंक को काउंट करके तब ये तय होता है कि किस प्रतिभागी को कितने अंक मिले हैं 11वें पैमाने पे। उन अंकों को निकालकर आपको एक सीलबंद लिफाफे में पैक करके देते हैं जिसको आप जनता के सामने लाइव खोलते हैं। उसके बाद ये तय होता है कि इन 11 मापदंडों के आधार पर किस प्रतिभागी ने कितने अंक मिले। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो टॉप जो 10 मापदंड है, 10 मापदंडों पे आपके अंक समान है। मान लीजिए आपको 50+ अंक मिलते हैं या 60 मिलते हैं, और 11वें पैमाने पे जिसके अंक अधिक हैं वो पहुँचेगा, या आपके 11 अंक 12 अंक हैं 11वें पैमाने पर और जो 10 पैमाने हैं उसमें आपका अंक कम रहा, लेकिन इस पैमाने के अंक आपको मिल गए, तो जिसके अंक इसमें ज़्यादा होंगे उसी को हम टॉप 6 में लेके आते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका ये पूरी प्रक्रिया समझाने के लिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों को। तो विनय, मुझे लगता है ज्यादा वक्त हम बर्बाद नहीं करते हैं, अभी लिफाफे हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें खोलना शुरू करते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि आखिरकार छवि और साख में इन 12 में से किस उम्मीदवार ने कितने अंक लिए हैं। तो पहला लिफाफा है हमारे पास कृष्ण गोपाल त्यागी जी का, देखते हैं कृष्ण गोपाल जी कितने अंक लेते हैं इस 11वें पैमाने के आधार पर। विनय, तो शुरुआत तो अच्छी है, अंजाम खुदा जाने, बहुत बेहतरीन स्कोर किया है इन्होंने। जी हाँ, कृष्ण गोपाल त्यागी, बहुत ही अच्छा स्कोर, 18 अंक इन्होंने हासिल किए हैं 11वें मापदंड के आधार पर। जी, तो आपको बता दें कि दूसरी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, और ये हैं जोगिंदर कादियान जिनका लिफाफा हमने अभी खोला है, इन्होंने भी अच्छा स्कोर किया है विनय। जी हाँ, जोगिंदर कादियान एक और उम्मीदवार, 12 अंक इन्होंने हासिल किए हैं और टॉप 12 में पहुंचे थे ये, और ये दूसरी स्क्रीनिंग के आधार पर यानी 11वें मापदंड में 12 अंक हासिल करते हैं। जी, और ये हैं रणधीर मलिक, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। रणधीर मलिक 16 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, एक अच्छा स्कोर इनका भी। 11वें मापदंड के अंक हम आपको बता रहे हैं कि कितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं उम्मीदवारों ने। जी, और विनय, ये हैं गुलशाद अली, एक और उम्मीदवार टॉप 12 तक पहुंचने वाले जिनका गुलशाद अली 8 अंक केवल हासिल किए हैं इन्होंने अपने 11वें मापदंड में। और ये हैं मनिंदर सिंह सनी, देखते हैं ये कितने अंक लेते हैं विनय। मनिंदर सिंह सनी ने 6 अंक हासिल किए हैं केवल 11वें मापदंड के आधार पर, जो कि एक लो स्कोर भी है। जी, नरेंद्र पहलवान, इनके अंक जरा देख लेते हैं विनय, इन्होंने अच्छा स्कोर किया है, इनके अंक बताइए हमारे दर्शकों को। नरेंद्र पहलवान 15 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, एक अच्छा स्कोर अपने 11वें मापदंड के आधार पर इन्होंने 15 अंक हासिल किए हैं। और ये हैं आजाद सिंह नेहरा, इस वक्त आप जो पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं वो है दूसरी स्क्रीनिंग की प्रक्रिया, यानी छवि और साख में कौन सा उम्मीदवार कितने अंक ले रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आजाद सिंह नेहरा ने भी अच्छा स्कोर किया है।
आज़ाद सिंह नेहरा ने 16 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में, एक अच्छा स्कोर इनका भी। और विनय, अभी तक तो ज़्यादातर उम्मीदवार अच्छी खासी साख रख रहे हैं हल्के में। ये हैं जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार ने 8 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड के आधार पर। तो आपको बता दें कि यही दूसरी प्रक्रिया है, दूसरा राउंड है, इसके जरिए ही तय किया जाएंगे कि आखिरकार टॉप 6 में कौन पहुंचता है। और ये हैं ऋषि राज कौशिक, एक और उम्मीदवार टॉप 12 तक पहुंचने वाले। देखते हैं इनका लिफाफा इन्हें टॉप 6 तक पहुंचा पाता है या नहीं। ऋषि राज कौशिक ने 11 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में। और ये हैं जोगिंदर सिंह, देखते हैं जोगिंदर सिंह जी को उनका लिफाफा कितने अंक दिलवा रहा है। जोगिंदर सिंह ने 10 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में। धीर सिंह, अगले उम्मीदवार, इनका लिफाफा भी खोलते हैं और इनके अंक बताते हैं अपने दर्शकों को। धीर सिंह जी ने 11 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में। और ये है आखिरी लिफाफा टॉप 12 उम्मीदवारों में से, इनका नाम है अनिल गोस्वामी। देखते हैं अनिल जी को कितने अंक दिलवा रहा है उनका लिफाफा विनय। और अनिल गोस्वामी ने 8 अंक हासिल किए हैं अपने 11वें मापदंड में। जी, तो ये थे गन्नौर हलके के टॉप 12 उम्मीदवारों के छवि और साख के अंक जो हमने एक एक कर आपको बताए। यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस 11वें पैमाने यानी दूसरी स्क्रीनिंग के बाद अंक जुड़ने के बाद कौन से उम्मीदवार हैं जो पहुंचे हैं टॉप 6 तक। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।